हाय गाइस फ्रॉम बैंगलोर, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है अमन दुबे। तो दिस इज़ फोर्थ एपिसोड ऑफ ज्योतिर्लिंग राइड। इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में हमने रजिस्टर किया 10,000 किलोमीटर, 23 डेज़, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम। तो पहले 3 ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। मेरे साथ है पंकज भाई। तो हम लोग अभी बेंगलोर में हैं। कल रात को हम बेंगलोर आए थे, पुणे से बेंगलोर पहुंचे थे, यहाँ पे रेस्ट किया। अब यहाँ से हम रामेश्वरम के लिए निकल रहे हैं। मॉर्निंग के हो गए हैं, मॉर्निंग के 8:30 हो गए, और वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर रामेश्वरम। वहाँ पे पनबन ब्रिज और धनुषकोडी भी जाएंगे, फिर उसके बाद कल निकलेंगे रामेश्वरम से श्री सैलम के लिए। तो फिलहाल आज की जो राइड है बेंगलोर टू रामेश्वरम 580 किलोमीटर्स, और 13-14 घंटे लगेंगे। रामेश्वरम हमारा फोर्थ ज्योतिर्लिंग होगा। अभी तक हमने त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के तीनों कवर कर लिए थे फर्स्ट 2 डेज़ में। और थर्ड डे में हम पुणे से बेंगलोर आए, कल बेंगलोर रुक के फिर आज अभी रामेश्वरम जा रहे हैं। तो अब हम लोग उठ के सामान पैकिंग कर लिए, तो बस ले जाके उसको बाइक पे टाई करना और फिर यहाँ से फटाफट सिटी से निकलना है। जल्दी जल्दी निकलना है क्योंकि हम लोग बेंगलोर सिटी में, सिटी क्रॉस सिटी में ट्रैफिक करने से पहले हम क्रॉस कर लें फटाफट बेंगलोर सिटी। तो मैं आपको बाइक पे मिलता हूँ फटाफट, बाय। तो हम लोग सामान बाइक पे सब टाई कर रहे हैं, मेरा तो हो गया है, बस चेन लूप करना है। तो फटाफट मैं चेन लूप कर लेता हूँ भाई। ये तो निकल ही गया। दुबे भाई की बाइक अपने आप स्टैंड छोड़ दे रही है और दुबे भाई यहाँ परेशान हो रहे हैं कि स्टैंड छोड़ रही है। पीछे वाला टायर जमीन को टच हो रहा है, इसके लिए स्टैंड छोड़ रही है। पीछे वाला टायर जमीन को टच हो रहा है, अरे यार, इसके लिए स्टैंड छोड़ रही है। नीचे उतार ले, नीचे उतार के वापस कर, नीचे उतार के लूप मारना पड़ेगा। चलो नीचे उतार के चेन लूप करना अच्छा रहेगा, हर 400-500 किलोमीटर पे तो कर ही देना चाहिए। हो गया चेन लूप, अब निकल सकते हैं। सो ऑल सेट फॉर रामेश्वरम। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया। निकलते निकलते आखिर में 8:50 हो गए। रीचिंग टाइम यहाँ पे 7:49 PM दिखा रहा है, 580 किलोमीटर्स। पंकज भाई ने ट्रैफिक कर दिया है, देखो सामने बस भी आ गई है। वेलकम टू बेंगलोर। अब कुछ दिन तक कंटिन्यू मल्टीपल सिटीज़ पे सिटीज़ हम क्रॉस करने वाले हैं। अभी कुछ महीने पहले ही मैं बेंगलोर आया था, साउथ राइड जब कर रहा था, तो लास्ट का एपिसोड अगर आपने देखा होगा, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, तो बेंगलोर सिटी में थोड़ा घूमा भी था। ये है यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन है। सिटी में इतने सारे लेफ्ट राइट राउंड अबाउट, इतने सारे एग्जिट, क्या बताऊँ, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। दो बार रुक रुक के वापस गूगल मैप पर देख देख के कन्फर्मेशन करना पड़ रहा है। पंकज भाई मिस कर दिए 1 टन, तो अभी उनके लिए वेट कर रहा हूँ। अब यही होने वाला है सिटी क्रॉस करने करते तक। भाई बेंगलोर तो निकलते निकलते परेशान कर देगा, इतना कंजक्शन, सिग्नल इतने सारे, ट्रैफिक, बाबा रे बाबा। कोरट तो यहाँ का काफ़ी बढ़िया है, मुंबई में देखो बैंड्रा कोट। अब जाके बढ़िया रोड मिला, सिटी के बाहर जाने वाला शायद ऐसा रोड है जहाँ पे मैं 80+ चला रहा हूँ। अदरवाइज अभी तक 10, 20, 30 के स्पीड से ट्रैफिक में रुकना चलना, रुकना चलना लगा हुआ था। सो बेंगलोर बाय बाय। फाइनली 1 घंटा लगा निकलते निकलते बेंगलोर। लो अब यही दिन देखना था। बाइक के लिए भी टोल है, तब से टोल के लाइन में खड़ा हूँ, पीछे लंबी लाइन लगी हुई है। फाइनली सिटी के बाहर आ गया हूँ, अभी यहाँ पे टोल क्रॉस किया, पंकज भाई का वेट कर रहा हूँ, शायद पीछे है वो। अब यहाँ से 538 किलोमीटर्स और है, पहुँचने का जो टाइम दिखा रहा है वो 7:50 दिखा रहा है। टाइम हो गया अभी 10:15 फिलहाल सुबह के, नाश्ता करना है, तो अगर पंकज भाई आ जाते तो हम यहाँ नाश्ता भी कर लेंगे। तो 2-3 मिनट में ही पंकज भाई आ गए, अब नाश्ता करके फिर आगे बढ़ेंगे। इडली सांभर खाए हम लोग, एक नंबर था, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। मतलब बेस्ट इडली सांभर, याद रहेगा ये। लेट्स स्टार्ट अगेन। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1/2 घंटे का ब्रेक हो गया हमारा, अच्छा खासा नाश्ता और कॉफ़ी हो गया, तो अब 3 घंटे तक एटलीस्ट कोई टेंशन नहीं। कन्याकुमारी 6:25 है यहाँ से। कुछ तो बवाल हुआ है नीचे, वहाँ पे बहुत पुलिस है, बहुत सारी फायर ब्रिगेड भी है यहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ है। पेट्रोल लीक हो रहा है मेरा, पता नहीं अब कैसे लीक हो रहा है। अरे यार ये पेट्रोल लीक हो रहा है यहाँ पर, पूरा पेट्रोल गिर रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है धड़ल्ले से। यहाँ का व्यू थोड़ा अलग है, दूर दूर पे पहाड़ों की ऐसी टेकड़ी बनी हुई है। वैसे ये हमारा फोर्थ डे है। अब 3 दिन से क्या हो रहा है, बस रात को सो रहे हैं, सुबह उठ के बाइक चला रहे हैं, रात को सो रहे हैं, सुबह उठ के बाइक चला रहे हैं, रात को सो रहे हैं और सुबह उठ के बाइक चला रहे हैं। और रात को सोना भी ऐसा नहीं है 8-9 घंटा नींद,
हार्डली 5 घंटे की नींद हो रही है, 5-5.5 घंटे की। तो 4 दिन बड़ा हेक्टिक रहा। जिस दिन राइड स्टार्ट किया था उसके एक दिन पहले भी हमने कुछ हार्डली 4.5-5 घंटा ही सोए थे। तो 4 दिन कंटिन्यू हम लोग इतना ही सोए हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड राइड और हमें भी लिमिटेड टाइम है हमारे पास। अब आज फर्स्ट डे ऐसा होगा कि हम जल्दी पहुँचेंगे, अदरवाइज डेली हम 1:30-2 बजे ही पहुँचते हैं होटल पर रात को राइड करते हुए। आज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, भगवान की कृपा से ऐसा हो कि 8-8:30 बजे तक मैक्स पहुँच जाए हम लोग होटल रामेश्वरम में, तो आज थोड़ा आराम मिलेगा। फिर कल निकलेंगे श्री सलम के लिए। तो चलते चलते पहुंच गए हैं अपन अभी कृष्णागिरी। बहुत ही बढ़िया सिटी लग रहा है क्योंकि चारों बाजू पहाड़ गिरे हुए हैं के बीच में है ये सिटी, हर जगह पहाड़ी पहाड़। 470 किलोमीटर्स मोर टू गो। टाइम हो गया 11:30। नारियल के फार्म, वाव मस्त, एक नंबर। अब लग रहा है ना असली साउथ इंडिया चालू हुआ। अटक गए, क्या लेके जा रहा है ये। एक्चुअली वो साइड काम चल रहा है रोड पे और इधर ये भाई जंबो अपने ले दे के चल रहे हैं सब, न जा रहे न जाने देंगे। फुल यहाँ पे एकदम स्लोप है तो सारे ट्रक्स एंड ऑल सब स्लो 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 जा रहे, तो थोड़ा कंजक्शन टाइप हो गया था। अब यहाँ पे लगता है कुछ काफ़ी दूर तक सिटी नहीं है, आगे अभी मेन सिटी जो आने वाला है वो है सेलम। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा खड़े होकर फोटोज वगैरह निकाल रहे थे। लकली अभी पेट्रोल लीक नहीं हो रहा है, ऐसा लग तो नहीं रहा है। बीच में तो बहुत अच्छा खासा लीक हो रहा था क्योंकि अभी गर्मी हो रही है, तभी लाइनर निकाला ना, बहुत ठंडा लग रहा है। हाँ, मज़ा आएगा राइड करने। तो सालेम सिटी पहुँच गए, वो इस साइड जाएंगे तो सालेम सिटी, अभी अपने को सीधा जाना है। वैसे सालेम पहुँचते पहुँचते 3 बार साइड में रुकना पड़ा मुझे, बाइक रेस ही नहीं ले रहा था, पता नहीं एयर पकड़ रहा है शायद से टैंक में। तो लास्ट 10 किलोमीटर में 3 बार रुका हूँ, कल तक तो ये सही था, आज तकलीफ दे रहा है। फुल फुल हिंदी आती है, हिंदी ऑयल 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 थैंक यू। चलो अभी तकलीफ तो नहीं आना चाहिए, थोड़ा ऑयल भी इसमें डाल दिया है। मुझे लगता है सर्विस सेंटर ढूंढना पड़ेगा अगर वापस आया तो प्रॉब्लम। 4-5 किलोमीटर तो आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है टैंक में, फिलहाल बाइक बढ़िया चल रही है। हे भगवान ज़रा इसको सही सलामत रखना क्योंकि अभी ये टैंक वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, वापस आ रहा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ एक जुगाड़ करने के लिए, उससे प्रॉब्लम ना आए। ये थैली को मैं फाड़ के इसमें लगा देता हूँ, मे भी उसके वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एयर पकड़ रहा है, टैंक का प्रॉब्लम हो रहा है यार। इसको ऐसे लेता हूँ और ऐसे, अब नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम। देखता हूँ अगर प्रॉब्लम आएगा ना, अब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर मैं अगर प्रॉब्लम को सही समझा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है तो इससे सॉल्व होना चाहिए कुछ। पंकज भाई इधर क्यों गए, अरे क्या फालतू गिरी हो गई। वो ट्रक वाले ने क्या ब्लाइंड टर्न मारा, उसके वजह से पंकज भाई ओवरटेक कर रहे थे वो साइड से, वो साइड चले गए। क्या कर दिया भाई उसने बाप रे पंकज भाई, वो साइड से अच्छा बट उधर ओपन था नहीं तो भीड़ ही जाते। ट्रक इधर खड़ी थी ऐसे टर्न ले रही थी और पीछे बिना देखे टर्न ले रही है ट्रक। ट्रक ड्राइवर क्या हीड़ है। और अच्छा वो साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। ये बदलना ही पड़ेगा कैप मेरे को लग रहा है। रिकॉर्ड किया कि नहीं कैमरे में इतना अच्छा स्टंट मेरा नहीं चालू नहीं था ग्लव्स नहीं पहने थे ना, ग्लव्स पहना करो भाई। चलो अरे कल को इधर उधर कहीं गिरे विरे तो एटलीस्ट सेफ तो रहेंगे। चलो अब चलना चाहिए भगवान भरोसे। ये देखो कॉफी है, इधर पानी वानी पीते हर चीज का सोल्यूशन।
क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा रुक जाते हैं, बाइक को थोड़ा रेस्ट देते हैं, हम लोग भी थोड़ा चाय नाश्ता कर चाय पानी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी अभी प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो कॉफ़ी ऑफ़ी हो गया, हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ से निकल के आगे हम लोग को ऑन द वे, मैंने अभी गूगल पे देखा तो ऑन द वे 4 किलोमीटर बाद ही सर्विस सेंटर है रॉयल एनफील्ड का, तो मैं दिखा देता हूँ वहाँ पे बेटर, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि घड़ी घड़ी ये इशू आ रहा है, तो दिखा देना बेटर रहेगा स्मूथ राइड के लिए आगे। तो आ गए सर्विस सेंटर, अब यहाँ पूछता हूँ। तो सर्विस सेंटर में दिखाया भाई, इसके ढक्कन में कुछ तो उन्होंने कट किया, बोले रबर को कट करेंगे, एयर तो नहीं पकड़ेगा, बोले प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं है वो, कहीं रुक के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर फुल करने गए पूरा सोल्यूशन अगर करना है तो फिर टाइम जाएगा बोले। मैंने बोला ठीक है टेम्प्रेरी वाला करो, फिलहाल आगे चलें, उसके बाद देखा जाएगा बाद में। तो फिलहाल अभी ट्रायल करने आया हूँ, फिलहाल अभी तक तो एयर नहीं पकड़ रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो ये सर्विस सेंटर वालों ने ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे कट करके दे दिया है, बोले इसके वजह से अब एयर नहीं पकड़ेगा, और एक उंगली नीचे पेट्रोल बोले भरा के रखने के लिए, फुल नहीं कराने के लिए, नहीं तो थोड़ा लीक होगा। और मैंने उनको उन्होंने बोला अगर इसको पूरा क्लियर करना है तो 1-2 दिन जाएगा, क्योंकि पार्ट भी नहीं है इसका, तो बोले ये प्रॉब्लम जो ये सोल्यूशन है टेम्प्रेरी। मैंने बोला 20 दिन का ट्रिप है, 20 दिन चलेगा, तो बोले हाँ चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब चलते हैं इसी के भरोसे। बट इन्होंने कोई पैसा भी नहीं लिया, ये सब कर दिया, थैंक यू सो मच काका, चलो बाय, थैंक यू। हाँ हाँ काका बहुत अच्छे, इनको हिंदी गाती, बस यहाँ पे इन्होंने हेल्प किया ट्रांसलेशन करा के, चलो मालिक आओ। काफ़ी बढ़िया लोग थे, बस तमिल यहाँ जिसको नहीं आता वो हमेशा प्रॉब्लम फेस करेगा, उसको कोई ना कोई ट्रांसलेटर चाहिए। तो ये रॉयल एनफील्ड रॉयल अन्नानमार एरिया में है। थैंक यू सो मच फॉर सॉल्विंग माय प्रॉब्लम, एटलीस्ट टेम्पररी सोल्यूशन बताया इन्होंने। तो 4 दिन में ये दूसरी बार है कि सर्विस सेंटर का चक्कर काटना पड़ा, फर्स्ट टाइम पंकज भाई के साथ, पंकज भाई के बाइक में प्रॉब्लम आई थी, पहले अहमदनगर के सर्विस सेंटर में गए थे, वहाँ पे पंकज भाई का जो सस्पेंशन का ऑयल लीक हो रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व कराया, वहाँ पे 1.5 घंटा गया था। आज अभी ये सब कराने के चक्कर में एटलीस्ट नहीं बोल के तो 50 मिनट तो गया ही, और अब यहाँ से जो रोड है पहले जैसा अब नहीं है, ऐसे ही रोड से जाना पड़ेगा, पहले अलग हाईवे था। वापस से सर्विस सेंटर का चक्कर काटना पड़ेगा, अभी दूसरे सिटी में, वो दूसरा सिटी था, अभी दूसरा सिटी है आगे वाला, उसके सर्विस सेंटर है, वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रहा है, इसको सॉल्व करा के ही आगे बढ़ूँगा अब तो। ओके भाई, बोलो मालिक कैसा लग रहा है? जो प्रॉब्लम था वो छोड़ के कुछ अलग ही प्रॉब्लम और चालू हो गई, पहले बाइक स्टार्ट तो हो रही थी, अभी स्टार्ट भी नहीं हो रही है, पहले टैंक एयर टैंक का प्रॉब्लम था दिखाया, बट अभी क्या हुआ पता नहीं, कुछ तो ओपन किए लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रही, फ्यूज ओपन किए थे ये लोग ने, ऐसी जगह पे यहाँ किसी को हिंदी भी नहीं आती, जो बना रहा है उसे भी हिंदी नहीं आती। अब पता नहीं कब बनेगा ये, शाम होने आ गई, तो हो गया है थोड़ा बवाल। हम लोग थे कोटियम में, जहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं बोलूँगा, सब सर्विस सेंटर था इसी का, जो यहाँ से 50 किलोमीटर्स दूर है, वहाँ पे बाइक दिखाया जो ख़राब हो गई, स्टार्ट ही नहीं हुई, वहाँ से फिर टेम्पो किया लोकल बुला के और उसको टो किया त्रिची तक, ये त्रिची सिटी में हूँ अभी, तो स्टोर पे कॉल किया, सर्विस सेंटर पे कॉल किया, सर्विस सेंटर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है,
इनको बोला बाइक में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, ये लोग बोले ठीक है। तो बाइक यहाँ तक टो करके लाया, सर्विस सेंटर 8:30 बजे बंद होता है, मैं 8:45 को पहुँचा, ये लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे, यहाँ पे मैंने बाइक रख दिया है। अब मॉर्निंग में ये लोग यहाँ से सर्विस सेंटर वाला बंदा आएगा, सर्विस सेंटर लेके जाएगा, देखिएगा क्या है। सर्विस सेंटर वाले मैनेजर से भी बात कर लिया, उनको बता दिया भाई ऐसा ऐसा है, रिकॉर्ड राइड कर रहा हूँ 10,000 किलोमीटर का, जो भी है मेरा प्रायोरिटी पे देखना, जो हुक बाइक रुक। तो उसने एग्री किया है, बोला मॉर्निंग में प्रायोरिटी में मेरा बाइक देखेगा, तो अब मॉर्निंग में पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। मैं भी ऐसा बोल रहा था, वो फ्यूल पम्प ख़राब हुआ, अगर फ्यूल पम्प ख़राब हुआ रहेगा तो बोला फ्यूल पम्प स्टॉक में नहीं है, चेन्नई या मुंबई से मंगाना पड़ेगा या और कोई जगह से देखना पड़ेगा, जिसके लिए 2 दिन जाएगा। तो बाय गॉड ग्रेस ऐसा ना हो, अगर फटाफट 1-2 घंटे में बाइक रेडी हो जाती है तो कल ही हम लोग यहाँ से रामेश्वरम निकल जाएंगे, अदरवाइज़ फिर पता नहीं, अनप्लान्ड है, कल क्या होगा पता नहीं। तो अभी यहाँ पे पंकज भाई, मेरा सामान यहाँ पे मैंने रखा है सब, बाइक तो अंदर है, और पंकज भाई होटल ढूंढने गए, होटल देख के होटल में हम लोग फटाफट जाएंगे, चेक इन करेंगे, 9:15 हो गया है, तो चेक इन करके यहीं पे स्टे करेंगे, मॉर्निंग में फिर सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद बाइक ठीक होते ही रामेश्वरम, नहीं तो फिर पता नहीं। तो आज का जो ब्लॉग था बेंगलोर टू रामेश्वरम, फिलहाल अनफॉर्चुनेटली त्रिची में ही ख़त्म कर रहा हूँ। त्रिची से रामेश्वरम अभी और शायद 300 कुछ और किलोमीटर है, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे फिर रामेश्वरम के लिए। तो ब्लॉग फिलहाल मैं यहीं एंड करता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट ब्लॉग में मैं देता हूँ। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा, मुझे तो आज का दिन अच्छा नहीं लगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और पूरा सीरीज़ ज़रूर देखना, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।